क्या हुआ कच्चा बनियान? यहाँ बुलाने की क्या खुजली हो रही थी है? प्रेम, मैंने आपको बुलाया। अरे दोनों भाभियाँ एक साथ, मेरा दोनों भाभियों को नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा प्रेम, पहले आप ये बताइए कि आप जानते हैं चाइना टाउन क्या है? हाँ, कुछ जानते हैं इसके बारे में आप? हाँ, चाइना टाउन एक क्लब है, उसका मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। साला पहले रोड पे ठेला लगाता था, गोरख धंधा करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसका मतलब चाइना टाउन क्लब का मालिक आपका दोस्त है? हाँ हाँ, मेरे ही टुकड़ों पे पलता था। हाँ, मैंने ही उसे होटल खोलने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बहुत ही घटिया क्लब है, आप लोग उस क्लब में कभी मत जाना। हाँ, रोजा सूजा क्लब बहुत अच्छी है, उसमें एक रोजा है और एक सूजा है। अरे बाबा, मुझे रोजा या सूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रेम, मुझे चाइना टाउन क्लब ही जाना है। लेकिन भाभी जी, उस क्लब की एक डांसर थी जिसका नाम था सज्जना, उसका खून हो गया है और लोगों का कहना है कि ये खून विभूति ने किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। मेरा दोस्त कितना भी बड़ा विभूतिया क्यों ना हो, लेकिन वो विभूतिया कभी किसी का खून नहीं कर सकता। निकम्मा है, जलील है, लेकिन है मेरा दोस्त। कभी खुशी कभी गम। तेरे दोस्त मेरा तो कितना भी कुत्ता हो, कमीना हो, जलील हो, छिछोरा हो, टुच्चा हो, दो कौड़ी का इंसान हो, लेकिन तेरे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है। आई लव यू टू, आई लव यू टू। तू भी साले एक नंबर का नल्ला है और अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलता है, लीचड़ है, लेकिन तू भी है मेरा सच्चा दोस्त। पूरा भेड़िया है साले, भेड़िया। और तू एक नंबर का लक्कड़ बग्गा है साले, सियार है बे। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इमोशनल बातों में भी आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। देख रहे हैं भाभी जी, इनकी दोस्ती का स्तर कितना कितना घटिया है। तिवारी जी, मैं इनका दोस्ती का पैमाना नहीं नापना चाहती, प्लीज। प्रेम, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्या आप विभू को चाइना टाउन क्लब पहुंचा सकते हैं? भाभी जी, उसके मालिक से पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब झगड़ा हो गया है। लेकिन हाँ, उसका मैनेजर आज भी मेरे टुकड़ों पे पलता है इसकी तरह। विभू, गेट रेडी, यू आर गोइंग टू चाइना टाउन। हाँ हेलो राकेश, मैं चाइना टाउन क्लब से घमंडी बोल रहा हूँ। यार डांसर्स भेजो, मैं कितनी बार बोलूं यार एक ही बात को, मैं दोहरा दोहरा के थक गया यार, जल्दी से डांसर भेजो यार, जरूरत है। मैं फोन करता हूँ। हाँ जी बोलिए, आप लोग कौन? क्यों बे घमंडी है, कैसा है तू? अरे ओ प्रेम, तमीज से बात कर, ये चाइना टाउन जो क्लब है ना, मैं उसका मैनेजर हूँ और लोग मुझे यहाँ घमंडी सर कहकर बुलाते हैं। अबे ओ, सर होगा तू अपने घर का, वो दिन भूल गया हा? जब देशी शराब के ठेके पर चने बेचता था और मुझसे बार बार आकर भीख मांगता था, प्रेम 500 रुपया दे देना, प्रेम प्रेम मुझे 1000 रुपया दे देना। फालतू की बकवास बंद कर और काम की बात कर, और ये बता इन्हें कहां से पकड़ के लाया है? खुद ही देख ले। We are dancers। हम लोग को आप एक मौका देंगे,
हम इस क्लब में आग लगा देंगे. We'll burn it down. नहीं नहीं भाई साहब, हमें अपने क्लब में आग लगाने वाला डांसर नहीं चाहिए, बल्कि मस्ती बिखेरने वाले डांसर चाहिए. हाँ तो हम मस्ती बिखेर देंगे बा. अरे चिनाई से उठा गए. मैं चलता हूं. खेल दो मस्ती गमंदी, इनको जन्नत में फैला दो. ठीक है सर. सी यू. ये जन्नत, जन्नत क्या है ये? इस होटल के डांसर्स जिस रूम में ठहरते हैं उस रूम का नाम जन्नत है. कोई आया है? दरवाजा खोलिए अनीता हूँ. सो रैटल ना भाभी जी मेरे तो. आइए आइए भाभी जी. क्या हुआ विपु, कुछ मिला है? डायरी मिली कि नहीं? ये क्या है? ये संजना का टॉप है. हाउ डू यू नो? नहीं संजना का रूम है तो टॉप 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 नहीं है, टॉप भी उसी का ही होगा ना फिर. बस इसी में ध्यान है. इससे क्या फायदा? अरे डायरी ढूंढो ना, इसी कमरे में डायरी है. आइडिया, अब फिर से दरवाजे पर कोई है. अंगूरी जी आप पूछिए कौन आया है. हाँ हाउ आर यू? मैं यार अभी जी वो हु आर यू होता है. सही पकड़े हैं. हिंदी में बोल लो, अंग्रेजी उंडेलना जरूरी है. देखो अंग्रेजी घुसेड़ देती हूँ. कौन है? मैडम घटा घटाई जी, आपकी एंट्री का टाइम हो गया है. दिया, हमको तो डांस के लिए जाना पड़ेगा ना वहाँ. अनु तुम एक काम करो, तुम जरा बारीकी से डायरी ढूंढो. मैं क्या बरे अब ना ये अपना ये डांस करके आता हूँ. ठीक है? ठीक है. Let's go. आई कहाँ ढूंढूं डायरी, कहाँ ढूंढूं? किसका निशान? ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान? महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां? महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां? वो अनजाना कहीं ठहर
से कुछ हो जाता है, मेरा भी जादू जवान। आज मैं शालू से मिली, मुझमें उसमें एक मर्द नजर आया। अचानक मैं उसकी तरफ खिंच गई और मैंने उसे बाहों में भर लिया। पिछली रात मेरे साथ ही था विजय, और मैंने और विजय ने प्यार की सारी हदें, ओह गॉड, पता नहीं क्या क्या किस्से लिखे हैं। 2010 तो इसका मतलब इसने तारीख के हिसाब से किस्से लिखे हैं। अभी तो 2018 है, 2018, हाँ ये लेटेस्ट है 2018। आज मैंने अपने पुराने दोस्त विभूति नारायण मिश्रा को बेवकूफ बनाया। उसके सामने मैंने अपने पति की झूठी कहानी बताई। दरअसल ब्रिजभूषण खरबंदा नाम का मेरा कोई पति है ही नहीं। मैं तो विभू से 5 लाख रुपए लेकर हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चुनौय सेठ से अपनी जान बचानी है। अल्लू बेबी, अल्लू बेबी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाय दिया। हाय दिया, इतने दिनों बाद टूट टूट कर नाचे हैं, बहुत थक गए हैं। हाँ। लेकिन भाभी जी, आई मस्ट टेल यू क्या नाचे हैं आप, क्या नाचे हैं, माय गॉड। भाभी जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अंगूर की जब बेल है ना, वो झकझोर दियो, और जो अंगूर है वो स्टेज पे गिर के फुदक रहे हैं। व्हाट द वे यू डांस, यू आर ऑसम। ये क्या वाहियात टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आप हमारी बीवी को? एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट वाहियात कॉम्प्लीमेंट। मैं भाभी जी को सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शी डांस सो वेल। एक मिनट, आप लोग क्यों बहस में पड़ गए? यहाँ बहस करने आए क्या हम? तिवारी जी, तेरा दरवाजा बंद कीजिए। जी भाभी जी, वो तो हम कर देंगे। ये बताइए कि कुछ मिला आपको? मिला ना, ये डायरी मिल गई। इस डायरी में वो सारे सबूत हैं जो विभू को बेगुनाह साबित कर सकते हैं और असली कातिल को पकड़वा सकते हैं। Baby, it's a fantastic news. लेकिन ये बताओ कि संजना का कत्ल किया किसने? संजना का कत्ल मैंने किया है। तूने किया? मतलब आपने किया? हाँ दिया। इसका मतलब तुम मर्डरर हो? अभी जो मर्डरर होता। सही पकड़े हैं। हाँ, लेकिन काहे तुम संजना जी को मार दिए? क्योंकि संजना मुझसे शादी करते मेरी सारी जायदाद तो अपने कब्जे में करना चाहती थी, लेकिन उसको मैं दौलत में से एक बूटी कौली नहीं देना चाहता था। ये दौलत मेरी बीवी और बच्चों की है, वो मुझे इसके लिए ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने इसका खून तक दिया। इसमें गलती सिर्फ संजना की नहीं, तुम्हारी भी है। मक्खी तभी पास आती जब उसे गुड़ दिखाया जाए। वेरी गुड भाभी जी, मतलब वेरी गुड। ना ना ना, अब कुछ भी गुड नहीं होगा, तब बैड ही बैड होगा। तुम लोग मेरा लाज जान गए हो, इसलिए तुम सबको मरना पड़ेगा। तुम भाभी जी को नहीं मार सकते, तुम मुझे मारो। हम तुम, हाँ हाँ, हमारे चीथड़े उड़ा दो, लेकिन भाभी जी को नहीं। इनके उड़ा दो, इनके उड़ा दो। मारने वाला और बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है बरखुरदार। हम और आप उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, हमें किसी को मारने का कोई हक नहीं है। अरे कितनो बोलोगे साहब, इतनो इतनो टाइम काहे लगा रहे, दो शब्द बोलने होते हैं और आप होके खत्म होने को नाम ही ना ले रहे। अरेस्ट हिम। हाउ हाउ, चल सारे चुनाव सेट। अरे थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। और बैठे भैया, तेलो पगली एंजॉय तले। नो यार, आई एम सॉरी, ये पैसों का बड़ा अफसोस है। अरे शुक्र मनाओ कि जेल नहीं जाना पड़ा, सारी जिंदगी जेल में पड़े रहते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वो 5 लाख रुपए तिवारी जी को लाके कहां से देंगे? कर लेना किसी और को ब्लैकमेल, उसमें तो तुम माहिर हो, बरखुरदार। प्लीज यार, अब मजाक मत करो। अब क्या बोलूं विभू, पेट काट काट कर चुकाएंगे और क्या करेंगे। गोरी में हम घर पे हैं का? नहीं है, जाइए भाग भाग। यू क्या कर रहे हो, घर आए मेहमान से ऐसे बातें करते हैं? ये मेहमान गोरी मैम, जा आदमी को समझाने से कोई फायदा नहीं है,
अपनी एनर्जी बर्बाद ना करो, जो आदमी को कछु ना पता के कल्चर का हो तो है। ओ तो आप बड़े कल्चरल हैं, कल्चरल गंगा में रोज गोते लगाते हैं, हैं? कम यार 2 मिनट अपन ज्यादा कल्चर को राग ना हलापो और थोड़ी देर अपनो थोबड़ा बंद कर लो। हमें गोरी मैम से बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात करनी आपको अनु से? हाँ क्या बात करनी? अनु समझाओ ना जाको। क्या? ना ना अरे का जो जा आदमी के चक्कर में कब बोले गोरी मैम, हमारा जो मतलब है कि जा आदमी को चुप करा दो तो हम आपसे जरूरी बात करें। अरे बापू सिंह जी वो तो ऐसे ही मजाक करता रहता है, आप बोलिए ना आप क्या बोलना चाहते हैं। अरे दादा क्या है? 5 लाख रुपया। इसका मतलब आपने उस चोर को पकड़ लिया जो पैसे लेके भागा था। हाँ गोरी मैम पकड़ लो। कहाँ है वो चोर? कहाँ है वो चोर? मुझे अगर मिल जाए ना तो मैं अपना जूता गोबर में भिगा भिगा के उसके मुंह पे मारूंगा कम्बक। उसकी मूछों में ना मिट्टी का तेल लगा के उसमें आग लगा दूंगा। बाय गॉड कहाँ है? वेयर इज ही? टेल मी वेयर इज ही? मैं भी नोच लूंगी उसको। यस मे बी। ना ना गोरी मैम कम से कम आप अपने मुंह से बस चोर गिलाने ऐसा ना बोलो। असल में बात ऐसी है कि वो चोर आपको अपनो है। विभू? Of course not. What are you saying? ना ना जे ना आएंगे। ये क्या बकवास करी आपने? मेरे अलावा अनु का अपना कौन है? हाँ असल में गोरी मैम वो चोर हम हैंगे। आप बक्कू सिंह के बच्चे? सलील आदमी तो तू पैसे लेके छीन के भागा था मुझसे। I'll kill this man. I'll kill this man. एक मिनट, एक मिनट, stop, एक मिनट। मैं कर रही हूँ ना बात। पप्पू सिंह जी क्यों चोरी की आपने विभू के पैसे? गलती हो गई गोरी मैम का बताएं तो असल में बीच में ऐसी संगति पड़ गई हमारी के हमें जुआ की लत लग गई और सोचो जुआ में खूब पेल पेल के हारे हमारे ऊपर छाती पे हमारी कर्जा चढ़ गो। घर में नौ नौ टैया खेल रहे क्या करते पैसा की कजू जुगाड़ ही ना देख रही थी। भाई हमने सुनी कि आप लोग दोनों मिलके भैया तिवारी को ब्लैकमेल कर रहे थे तो जो गंदा सा आइडिया हमारे दिमाग में आ गया जो खेल कर दो हमने अनजाने में हमें बड़ो गिल्टी गिल्टी लग रहा हूं। धिक्कार है आप, थू है आप पे, लानत है आप पे। जो आदमी अलग हो चल लो। अच्छा चलो ठीक है हो गया। सही वक्त पे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मान ली उन्होंने अपनी गलती। ठीक है कोई बात नहीं अप्पू सिंह जी आपकी गलतियां माफ। दैट्स लाइक माय गोरी मैन। अगोरे आले टिक्की भैया ई लीजिए 10। अंगूरी ये सब तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए कहती हो ना? अरे ये हमको किए? अरे बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को पता है ये टी होता है फिर भी तुम 10 बोल रही हो। हमको मालूम है कि वो टी है। वो कहा है ना कि हमको आपके करप्शन का बहुत आदत पड़ गया है। वो करप्शन होता है पगली। सही पकड़े हैं। और हमें भी तो सही पकड़े हैं सुनने की आदत पड़ गई है पगली। अजी ये क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? क्या क्या बदतमीजी है? हम अपने घर में जो मर्जी करो आपको क्या? एक्सक्यूज मी दरवाजा खुला हुआ है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और आप खुलेआम भाभी जी का हाथ पकड़ रहे हैं तमीज नहीं है आपको? भाभी जी आप इन्हें आगरा ले जाइए ये आदमी पगला गया है। अब देखे ना हम अपनी बीवी को प्यार से हाथ पकड़ना इन्हें बदतमीजी लग रही है। अगर ये बदतमीजी है तो जो बदतमीजी आपके साथ करते हैं उसका क्या? भाभी जी आप भी कोई कम नहीं। जब लास्ट टाइम विभू ने मेरा हाथ पकड़ा था तो आपने भी विभू को ऐसे ही कुछ कहा था। विभू अंगूरी जी को पैसे दो। अरे अंगूरी जी पप्पू सिंह जी विभू के हाथ से पैसे छीन के लेके गए थे, बाद में उन्हें खुद एहसास हुआ घर आके खुद पैसे देके गए। देखिए हमारे डैडू कितना खुश हो जाएंगे ये जानकर। अंगूरे आ गए अंगूरी अंगूरी
मेरी बच्ची, मेरी लाडली, मेरी दुलारी। प्रणाम कर रहे हैं। कैसी है तू बेटा? अंकल जी, लौंडे लौंडे लौंडे, क्या है ये? क्या मतलब बदतमीजी की हद होती है? अपनी बिटिया से मिल रहा हूँ। अंकल जी पपिया लेते रहते हो जब देखो तुम। देखो देखो, मेरे गुर्दे जरा छिले हुए, जरा दूर हटो। अंकल जी, अगर आपके गुर्दे छिले हुए हैं तो फिर बने। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या लौंडे? जब देखो तो बने बने बने। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। अपने पति को समझाओ जरा। हाँ, इतना पीता है कि मुझे भी इसने पेक्कड़ बना दिया है। डैडू, ये आपकी धनराशि। लाओ भाई, लाओ लाओ लाओ, शुभ काम में देर कैसी। ये लीजिए। थैंक यू। पूरे है ना? जी बिल्कुल पूरे है। कच्चे बनियान आशीर्वाद नहीं लोगे? दीजिए डैडू। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया? तेरी इतनी हिम्मत कमीना है। डैडू माफ कीजिएगा, आप दरअसल लेट समझे। लेकिन अब तो आपके पैसे लौटा रहे हैं ना? लेकिन इतना देर से क्यों दे रहे हो पैसे? क्या करे डैडू, मिले अभी। अंकल जी, दे रहा है दुरुस्त है, कहते हैं ठेके पे, आज ठेके पे पियेंगे। ठेके पे? अरे लेकिन, अरे चलिए जी, अरे बैठिए बैठिए ना अंकल, मैं चला। तुम चलाओगे? हाँ फिर। अच्छा, थोड़ा उसका देखना, क्लच थोड़ा वीक है। कोई बात नहीं, क्लच वीक है। आप बैठ बैठे मत लो। तुम्हारी जी, कभी कभी ना मुझे अंकल और विभू को देखकर ऐसा लगता है, उनकी जुगलबंदी को देखकर ऐसा लगता है कि सच में दामाद आप नहीं, विभू है। दोनों का बहुत अच्छा याराना है। मैं पता नहीं ऐसे क्या कांटे लगे हैं। अका बोले चाय बने। करा लो बूट पॉलिश, करा लो भाई साहब। भाई साहब बूट पॉलिश। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, एक के साथ एक जूता फ्री में पॉलिश हो रहा है भैया, स्कीम चल रही। यार मलखान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेठ हमारे पास बूट पॉलिश कराने आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा। ऐसे मत करना यार, मेरी तरफ फंस जाओगे तुम दोनों। मलखान, तो जानता ही कौन है? ना यार, जाके शकल तो पहली बार देखी मैंने। कौन है भाई तू, जान नहीं जानते? ऐसा मत बोलो यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तू सारे भुइया का दोस्त है को? हैं? सारे बकवास कर रहे है, तो के ऊपर थोड़ी अमीरी का चढ़ी, तू सारे दोस्तों को भूल गो? साले जब अमीरी से लात मार के निकाला गया तो आ गए ना अपनी औकात पे। मुझको माफ कर दो यार, मुझको जूतन से पीटो यार, मगर मेरी दोस्ती मत तोड़ो यार, मैं तुम दोनों कमीनों के बिना नहीं रह पाऊंगा यार, प्लीज यार। सारे पीछे को का बैठ जा, ज्यादा ड्रामेबाजी मत ना करे तू। और जे बता, तेरा जे हाल कैसा है गो? यार वो लोग है ना, बड़े खतरनाक है, थे क्रिमिनल है, थे स्मगलिंग करते है, थे मेरे नाम से कंपनी खुला ले ही बाने है, वो को फंसा रहे थे, मैं जैसे तैसे करके भाग के आ गया। वो ना बनो अमीर अमीर, सुन हम तो है ना फकीरी में बढ़िया है, फकीर मस्त है यार। ये जो अमीर को लड्डू होते है ना, बहुत खतरनाक होते है यार, कोई भी नहीं बचा सकता उसको। तो अब मैं ना तुम दोनों के साथ में यहाँ पर बैठ के ना जूते पॉलिश करूंगा, है ना? अ भैया आओ, भैया आओ, भैया आओ, भैया भैया लौंडे, जूते टकाटक चमका दे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूं। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली ला 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 ला, मेरी ला 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 ला। यार जख्मी कर।